बेटे अब तो फ्री की प्रमोशन ले रहा है। फ्री की प्रमोशन? बेटा फ्री की तो ना मैं पापड़ी भी ना लेता हूँ गोलगप्पे खाने के बाद। बॉस से फोन पे बात करते करते ना फोन मेरे कान पे ही चिपका रह जाता था। अधमरी मीटिंगें अटेंड करी है मैंने, जो काम सिर्फ एक मेल से हो सकता था वो मैंने मीटिंगों में जा जा के खत्म करा है। मैं घर पे जाता हूँ ना तो मेरी मम्मी कहती है तू इतना बिजी हो गया कि मेरे साथ बैठ के मटर भी नहीं छील सकता, और मेरे पापा ने दाढ़ी मूंछों की वजह से मुझे पहचानने से मना कर दिया है। कहते हैं अबे ये किसकी औलाद गोद ले ली मैंने। ऑफिस में ना इस अंगूठे से अटेंडेंस लगाते लगाते अंगूठा छाप बन गया हूँ मैं। अरे यार अमित क्यों इतना गर्म हो रहा है? अबे गर्म होने को क्या, ब्रेड पकोड़ा हूँ मैं, तुझे पता भी है मेहनत क्या चीज होती है। तू तो ये अंकुर रवि नितिन से अपने फ्रेंड जोन करके काम निकलवा लेती है लेकिन हमारा उनके साथ ऐसा जोन है काम पड़ने पे वो कहते हैं भाई तू कौन है। वीरे वीरे तू ना पानी पी। ऐसा है भाई पानी ना तुम पी लो ठीक है ना, मुझे एक्स्ट्रा केयर दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता तुम सारे ना एक ही ईंट के चट्टे बट्टे हो, लोग कहते कुत्ता पालो बिल्ली पालो, अरे मैंने ना तीन तीन आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। अबे तुम कैसे भाई हो, टाइम आने पे करवाते मेरी कुटाई हो। ओ अमित भाई बड़े बॉस ने बुलाया है। अबे उसको जाके बोल दे। एक मिनट कदी यही कहीं दुबक रहा हो। हाँ सुन उससे जाके बोल दे कि मैं कोई यामा आरएक्स 100 ना हूं, अबे मैं बुलेट हूं, उसको पेल दूंगा। और मेरे बाप की जमीन ना अब सिर्फ बुलंदशहर में ही ना है, गुड़गांव में भी 100 बीघे की खरीद लिया है। कभी मुझे हल्के में ले रहा हो वो अलग बात है, उसमें से मुझे 54 भर का हिस्सा ना दिया। तो मैं जाके बॉस को बोल दूं कि तुम नहीं आ रहे। अरे एक मिनट दिल पे ले गए गुड्डू भाई आप तो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो यार ऐसे रूस जाओ जैसे नया जमाई रूस जावे जब ससुराल से उसे भेंट ना मिलती। आता हूँ ना यार। अमित अबे जाना क्या खड़ा है चल निकल। अरे मेरी बात सुन यार, मैं तेरे काम से ना बड़ा इम्प्रेस हूँ, तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि तुझे एक बड़ी जिम्मेवारी देने का टाइम आ गया है, तो आज से तू मैनेजर का असिस्टेंट। ये क्या हो गया? मिलो अपने नए मैनेजर से। जूनियर है, जूनियर की औकात में रह। अबे जा बे, सीनियर है तो बच्चों को धमकाएगा क्या हैं? क्या सोच रहा है? पेंटिंग पेंटिंग बहुत सारे काम है पेंटिंग, उन्हीं के बारे में सोच रहा था। तुम दोनों इसी तरह प्यार मोहब्बत से काम करते रहो और मेरी कंपनी का नाम रोशन करते रहो। रोशन तो मेरे फूफा का नाम है, उनके नाम से कर रहे हो कंपनी। एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड आने वाला है, तुम उसकी तैयारी करो। अच्छा विकास बर्गर खाओगे? अबे ये कहां से मुसीबत आ गई। और अगर तुमसे सेल्स नहीं हो रही है तो तुम्हारी सैलरी आधी कर देते हैं। अरे मैम हमारे एम्प्लॉयज हमारी बैकबोन होती हैं और आप बैकबोन को काटने की बात कर रही हो। और अमित तुमने इस बार पूरी 1.5 करोड़ की सेल्स करी है। अब जो तुम्हारा 3 करोड़ का टारगेट है। मैम थोड़ा सैलरी वैलरी बढ़वा देते मेरी। सिर्फ ग्रेजुएशन करने से ना सैलरी नहीं बढ़ती, उसके लिए MBA करना पड़ता है। हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना MBA। MBA? पूरा दिन तो तुम ऑफिस में पड़े रहते हो, तुमने कब MBA कर लिया? मैम मेरे पास है अपग्रेड ऐप जिससे आप जॉब करते करते साइड में कोई सा भी कोर्स कर सकते हो, वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जैसे IIT मद्रास, ड्यूक यूनिवर्सिटी, डीकिन यूनिवर्सिटी और माइका, और हर तरह का कोर्स अवेलेबल है जैसे मैनेजमेंट, डाटा टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, लॉ, इंश्योरेंस, वो भी डिग्री से लेके डॉक्टरेट तक। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हैं। और तो और इंटरनेशनल कॉलेजेस से स्पेशलाइजेशन दोनों की ऑन कैंपस फीस के मुकाबले 1/10 कॉस्ट में हो जाती है, साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट से 1-on-1 इंटरेक्शन से प्लेसमेंट और सपोर्ट भी मिलता है। ऐसे ही थोड़ी इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनी है अपग्रेड, इसलिए अब मैं नाम की नहीं काम की डिग्री लूंगा। अब या तो सैलरी बढ़ा दो नहीं तो अपग्रेड लर्नर्स को वैसे भी 50% तक की इंक्रीमेंट मिल जाती है। सैलरी बढ़वानी है? हाँ जी बढ़ाओ तेरी सैलरी। बढ़ाना कैश लेगा ये चेक लाके अपना SSC कोड। सही हुआ और बढ़वा लो सैलरी। नेक्स्ट क्यों वीरे
आज मिले शेर नु सवा शेर। सावधान साथियों, अपने ऑफिस की क्रश इधर ही आ रही है। अमित, मैंने सुना है तुमने इस बार अपने टारगेट पूरे कर लिए। वाओ। ओ माय प्यारा, तुमसा नहीं कोई प्यारा, तुम्हारे लिए मैं दीन दुनिया से हो जाऊं न्यारा। तुम गुड़गांव से शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? दिल्ली ख्याला लड़की नहीं, तुम हो ज्वाला। बाला ओ बाला, बाला ओ बाला। अबे चुप, डेढ़ पसली कहीं के। क्यारा क्यारा, हाँ तेरा वादा। बातों की फुसकिया अमित के साथ, चाय की चुस्किया विकास के साथ। वो कसम, वो इरादा। पंकज, इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो को टैग करके काम नहीं चलेगा, सेल्स तो तुम्हें फिर भी करनी पड़ेगी। सर, इसको मैं सिखा दूंगा ना। और जूही, तुमने कितनी लीड्स बनाई और रील्स कितनी बनाई? रील्स पूरे सर 16 बना दी मैंने। शट अप, रील्स तो ये भी बनाता है, हर कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बना फिर रहा है। सर, रील्स से ये भी तो कंपनी को प्रमोट करती है। बड़ा चालू बन रहा है। सरदार जी, तुसी दसो, तुम्हारी लीड्स जो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है ना, मुझे लग रहा है तुम्हें 6th फ्लोर के कैफेटेरिया में शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर जी, सर सर वहां तो चुड़ैल रहती है ना। हाँ, तो वही तुम्हें लीड जनरेट करना सिखाएगी। पाजी की मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट है। ओए, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? प्लीज इनको कुछ मत बोलो। झूठा। अमित, इन्हें बहुत कुछ कहो। तुम सब लोग बाहर जाओ। तुम नहीं, तुम बैठो। सैलरी इस बार चेक से नहीं दी, मान गए सर। जॉब छोड़नी थी तो मुझे पहले ही बता देते, इस तरह मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी के अंदर में जॉब एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत थी? अरे सर जी, मैं क्यों करूंगा ये सब? तो क्या विकास ने किया? सर जी, मेरी मम्मी का शुगर का इलाज, मेरे पापा का गंजेपन का इलाज, मेरे बाबू का सोना मोना का रिचार्ज भी तो मैं इसी सैलरी से कराऊं ना। इस सैलरी के अलावा मेरे पास है क्या? मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? मुझे कुछ नहीं सुनना है, गेट आउट। सर जी सुन लो, भाई ने बोला गेट आउट तो गेट आउट, प्लीज गो टू हेल। यार अपना नया मैनेजर विकास कितना सही है यार। हाँ यार, साडे लिए तो रब दा रूप है। ओ भाई, मेरे लिए तो आज से भगवान ही वही है। यार क्या बंदा है। सुन रहे हो भगवान जी, ट्रैफिक जाम से और दोगले लोगों से अब आप ही बचा सकते हो। दोगले कहीं गए? यार ऑफिस वाले क्रश की दादी जा रही है तीर्थ यात्रा पे और वो इस बात से बहुत दुखी है। अरे वो अपनी दादी के साथ रहती है ना, तो उससे दूर नहीं रह पाती। अब एक बात बता, मैं उसको ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि वो आज खुश हो जाए थोड़ी सी? अच्छा, जूते, साड़ी, आइडिया सही है। हे क्यारा, हाउ आर यू? ये देखो, मैं तुम्हारी दादी के लिए लाया दादी दास के स्पोर्ट्स शूज। इन्हें अपनी दादी को पहना देना, ऐसा उड़ती हुई जाएंगी। और साड़ी भी है, ये भी पहना देना, एकदम हीरोइन लगेंगी, हीरोइन। दोनों को पहना के दादी की फोटो जरूर भेज देना मेरे पास। यू इडियट, मेरी दादी की डेथ को भी 5 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें ये घटिया मजाक सोच रहा है मेरे साथ। शक्ल मत दिखा देना मुझे अपनी। टिश्यू पेपर। थैंक यू। तेरे धोरे BMW तो मारे धोरे भी हीरो होंडा है। तेरी जैसी खुरीद सुहार जावे तो किस बात का यूपी का यू लौंडा है। विकास, क्या हाल है गंजे? क्या सर हो रहा विकास, ये क्या हरकत है? जब तुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस फोटो के अंदर में मेरे हाथ में बियर है तो तूने इसे अपलोड क्यों किया और मेरी बीवी को क्या क्यों किया? सर मेरी प्रोफाइल नहीं है, फेक है। सर तो ओरिजिनल है। सर इसके कैप्शन की हैंडराइटिंग देखो, सेम टू सेम इससे मिलती है, मतलब इसकी हैंडराइटिंग से। ओ, मेरी बीवी का कॉल आ गया, तू तो मेरा डिवोर्स करवा के छोड़ेगा, देख लूंगा तुझे।
हेलो बेबी। सर की तो यार शादी पहले वाली ले दे के हुई थी, गंजो की तो शादी भी ना होती है। कितना ही जोर लगा ले, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड तो तुझे लेने नहीं दूंगा। तेरी देने की औकात नहीं है। तेरी जुबान बहुत चलती है अमित, दिमाग उससे भी ज्यादा चलता है। मेरी पोस्ट को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत भी नहीं है। मुझसे हाथ मिला ले, तेरी सैलरी बढ़वा दूंगा। गद्दारों से सैलरी नहीं लेता मैं। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड तू हार जाएगा। यहाँ से तू एक टांग पे जाएगा। इतना गुरूर ठीक नहीं है, आधी सैलरी में कैसे काम चलाएगा। 15 दिन में सैलरी उड़ाने वाले पूरे महीने के बारे में नहीं सोचते। अब निकल यहाँ से। ओके ओके कूल। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। काम तुम सब करते हो और सारा क्रेडिट वो अमित ले जाता है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगा। बस तुम मेरे साथ बॉस के पास चलो और ये बोल देना, अगर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड अमित को दिया तो हम सारे के सारे स्ट्राइक कर देंगे। हाँ यार, गलत तो सही कह रहे हैं सर। हाँ यार, चलो चलो यार। अमित, सो गाइस, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है। आप सेलेक्ट तो हो गए, पर आप मुझे ये बताइए, अब अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं? ये लड़का बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। अब सर आपसे क्या छुपाऊं, मेरा बॉस एक नंबर का लीचड़ है। उसने सारे एम्प्लॉयज को गधा बना के रखा है। मैं थोड़े ही ना गधा बनूंगा, और वैसे भी जिस मिशन के लिए मैं गया था ना, वो मैं पूरा कर चुका हूँ। उसने जो काम किया है ना, उसका इम्प्रेशन हम लोगों पर अलग ही पड़ा है। उस ऑफिस में सारे के सारे हैं गधे, पर मैं गधों के बीच रह के गधा नहीं बनूंगा। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है उसका नाम बताते हुए, क्योंकि उसका नाम है गुड्डू। कैंटीन बॉय को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर? यार मुझे सूत्रों से पता लगा है, अभी विकास को एक मेल आया है और अमेरिका से जॉब ऑफर है उसमें। मैंने ऊपर छुपा दिया है कैमरा, कोई भी एक भी गलती नहीं करेगा। उसका स्टिंग ऑपरेशन करना है तो करना है। सर मैं, हाँ बेटा, अब पैर दो, ट्रॉफी दो। ये सब तूने किया है? कैसी रही तेरी जॉइनिंग? अरे भाई साहब पहुंच जाएगा यार आपका माल, क्या बात। भैया ये ऑफिस क्यों बंद है, यहाँ जॉइनिंग थी आज मेरी। अरे कौन सा ऑफिस, रद्दी की दुकान है ये, किसी ने तफरी ले ली तुम्हारी, बहुत काम है मुझे, जाने दो। बॉस ने दिया तुझे देने के लिए, तेरा नौकरी से निकाले जाने का रास्ता। हैप्पी बेरोजगारी। सर बड़ा अच्छा लग रहा है अवार्ड पाकर, शुक्रिया। खुशी तो होनी ही चाहिए। अभी तो आपको बहुत ऊपर जाना है गुड्डू भैया। मतलब प्रमोशन का लेटर। शिफ्टिंग टू कैफेटेरिया 6th फ्लोर चुड़ैल के पास। हाँ अब चुड़ैल से सीखना ना सब कुछ। चलो भाई फोटो प्लीज।